श्री गुरु महाराज समाधि स्थल ग्राम पांड्या अंजना में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। कथा को सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग सहित पचोर शहर से भी भक्त लोग मंदिर एवं गुरु महाराज समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। पांड्या अंजना का गुरु महाराज समाधि स्थल काफ़ी जाना माना स्थल है। आसपास के क्षेत्र में काफ़ी इसकी महिमा जानी जाती है। गुरु महाराज समाधि स्थल पर आज पचोर शहर नगर पालिका अध्यक्ष विकास करोड़िया जी मौके पर पहुँचे और कथा प्रवक्ता श्री संजय कृष्ण आचार्य चुमा वालों से आशीर्वाद प्राप्त कर भागवत कथा में गोवर्धन लीला झांकी का दर्शन भी किया, साथ में भजनों पर नृत्य प्रस्तुति भी की। देखते रहें आप रमाकांत शर्मा का यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एवं आस पास के क्षेत्र की जनता पांडे जिले की समस्त Thank you.
सब लोग जाना जब दौड़ दौड़ के आएगा, समझ गए ना, जाएंगे तब आएंगे, इससे कोई साथ देने वाला नहीं। ध्यान देखना, दुख में हम चले जाएंगे जब परिवार दौड़ के आएगा, और सुख दुख में आज हमारे सामने हमारे परमात्मा दौड़ के आते हैं। अब दूसरे तरीके से एक कथा या फिर फेर लेती है, देखिए फेर लेती से अपन सोवा के नहीं सोवा रात में, न करवट बदला बदलते हैं, करवट नहीं बदला तो नींद में मजो आए, उन्हें तकिया के असर नहीं आए, गर्दन में तो कहीं उलेट न पड़े, जद अच्छी नींद आए, उलेटा नहीं तो भी नींद नहीं आए, तो कथा में भी उलटना पड़े। वो देखिए जब अंत समय आए ना आसपास बैठा रहे तो कहेंगे उन्हें रसगुल्ला का डब्बा नहीं देखे कोई, अरे छोड़ोगे कि क्या रसगुल्ला को डब्बा लाऊं मैं, अंत में कहीं टीके पाले पड़े को आती ना तुलसी गंगा गीता गायत्री सावित्री आती है अंत में। अच्छा वहां कहते अरे कहा तुलसी तो रस रसगुल्ला खिलाओगे अच्छा रस आएगा। जिस बच्चे का जन्म हुआ उस समय लड्डू बट रहे मिठाइयां बट रही ना छोरो गुरु के देख लो वो पाले पड़े थे, वो पाले पड़े वो माँ का दूध के बोलो वृंदावन हरी लाल की। जन्म के समय माँ का दूध के पाले पड़ा और मरण के समय तुलसी और गंगा जल के पाले पड़ा। जन्म के समय लोगों ने लड्डू खाए मिठाई खाई जब मरवा का बाद उसक भर गया बोलो वृंदावन में हरी लाल की जय। ओके जन्म के समय भी देखता रहा और डगर पर कोई नहीं जुड़ने की थोड़ो नाना के मुना देने आ गया न मर गया। जगह बाद किसी ने एक गौ ग्रास ने निकाला और खा गया, किसी ने नहीं कहा कि कुछ खिला दो। मीरा से पूछा लोगों ने, मीरा तू कौन सा स्वाद जानती है, तो मीरा ने कहा कि मैं मीरा